छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। उनकी माता भगवान शिवाय से स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी मां बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खासकर उनकी मां उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। इन दो ग्रंथों की वजह से वो जीवन पर्यंत हिंदू महत्वों का बचाव करते रहे। इसी दौरान शाहजी ने दूसरा विवाह किया और अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक में आदिल शाह की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को दादोजी कोंडदेव के पास छोड़ दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकों के बारे में जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निम्बलाकर के साथ लाल महल पूना पुणे में हुआ था। शिवाजी महाराज ने वर्ष 1645 में आदिल शाह सेना को बिना सूचित किए कोडना किला पर हमला कर दिया। इसके बाद आदिल शाह सेना ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। आदिल शाह सेना ने यह मांग रखी कि वह उनके पिता को तब रिहा करेगा जब वह कोडना का किला छोड़ देंगे। उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 में शाहजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वह दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाए गए। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था और इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाई भुजा पर बाघ नख टाइगर्स क्लॉ रखा और अफजल खान से मिलने चले गए। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया लेकिन अपने कवच की वजह से वह बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाघ नख टाइगर्स क्लॉ से अफजल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया। शिवाजी की सेना ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के 3000 सैनिक मार दिए और अफजल खान के दो पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने बड़ी संख्या में हथियारों, घोड़ों और दूसरे सैन्य सामानों को अपने अधीन कर लिया। इससे शिवाजी की सेना और ज्यादा मजबूत हो गई और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा खतरा समझा। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने 150,000 सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उसने वहां लूटपाट शुरू कर दी। शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया था
तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी तीन उंगलियां गंवानी पड़ी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उनके 40 सैनिकों का वध कर दिया। शाइस्ता खान ने पुणे से बाहर मुगल सेना के पास जाकर शरण ली और औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस जीत के बाद शिवाजी की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद शाइस्ता खान ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी के कई क्षेत्रों को जलाकर तबाह कर दिया। बाद में शिवाजी ने इस तबाही का बदला लेने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में जाकर लूटपाट शुरू कर दी। सूरत उस समय हिंदू मुसलमानों का हज पर जाने का एक प्रवेश द्वार था। शिवाजी ने 4,000 सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटने का आदेश दिया, लेकिन शिवाजी ने किसी भी आम आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया। शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने अपना रोष दरबार पर निकाला और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। हालांकि उनके आगरा करने पर उनकी स्वास्थ्य की दुआ करने वाले आगरा के संत फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिठाइयां और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बैठकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहां से भाग गए। इसके बाद शिवाजी ने खुद को और संभाजी को मुगलों से बचाने के लिए संभाजी की मौत की अफवाह फैला दी। इसके बाद संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस चले गए। औरंगजेब ने जयसिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह शिवाजी का मित्र के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया, लेकिन सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त शिवाजी ने एक बार फिर मुगल सेना को सूरत में हराया। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे, उन्होंने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी वह राज्याभिषेक करेगा। बालाजी राव जी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उन्होंने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समारोह में लगभग रायगढ़ के 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को छत्रपति का खिताब दिया गया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। दो बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था। शिवाजी के परिवार में संस्कृत का ज्ञान अच्छा था और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था। शिवाजी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे, जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़ तथा सुवर्णदुर्ग। उनके राजपुरोहित केशव पंडित स्वर्ण एक संस्कृत के कवि तथा शास्त्री थे।
उन्होंने दरबार के कई पुराने कायदों को पुनर्जीवित किया एवं शासकीय कार्यों में मराठी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे, वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। शिवाजी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए दान भी दिए था। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को बराबर का सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति का प्रचार किया करते थे। वह अक्सर दशहरा पर अपने अभियानों का आरंभ किया करते थे। शिवाजी ने काफी कुशलता से अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना नेवी भी थी, जिसके प्रमुख मयंक भंडारी थे। शिवाजी ने अनुशासित सेना तथा सुस्थापित प्रशासनिक संगठनों की मदद से एक निपुण तथा प्रगतिशील सभ्य शासन स्थापित किया। उन्होंने सैन्य रणनीति में नवीन तरीके अपनाए, जिसमें दुश्मनों पर अचानक आक्रमण करना जैसे तरीके शामिल थे। शिवाजी को एक सम्राट के रूप में जाना जाता है। उनको बचपन में कुछ खास शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वह फिर भी भारतीय इतिहास और राजनीति से अच्छी तरह से परिचित थे। शिवाजी ने प्रशासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों का एक मंडल तैयार किया था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों प्रधान को पेशवा कहते थे। राजा के बाद सबसे ज्यादा महत्व पेशवा का होता था। अमात्य वित्त मंत्री और राजस्व के कार्यों को देखता था, और मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का लेखा जोखा रखता था। सचिव दफ्तरी काम किया करता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था, जो सारे बाहर के काम किया करता था। सेनापति सेना का प्रधान होता था। पंडितराव दान और धार्मिक कार्य किया करता था। न्यायाधीश कानूनी मामलों की देखरेख करता था। मराठा साम्राज्य उस समय 3 या 4 विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था, जिसे प्रांतपति कहा जाता था। हरेक सूबेदार के पास एक अष्टप्रधान समिति होती थी। न्याय व्यवस्था प्राचीन प्रणाली पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था। गांव के पटेल फौजदारी मुकदमों की जांच करते थे। राज्य की आय का साधन भूमि कर था। सरदेशमुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाला सरदेशमुखी कर था। शिवाजी अपने आप को मराठों का सरदेशमुख कहा करते थे, और इसी हैसियत से सरदेशमुखी कर वसूला जाता था। शिवाजी महाराज ने अपने पिता से स्वराज की शिक्षा हासिल की। जब बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया था, तो शिवाजी ने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने पिता को बीजापुर के सुल्तान से संधि करके छुड़वा लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद ही शिवाजी ने अपना राजतिलक करवाया। सभी प्रजा शिवजी का सम्मान करती थी, और यही कारण है कि शिवाजी के शासनकाल के दौरान कोई आंतरिक विद्रोह जैसी घटना नहीं हुई थी। वह एक महान सेना नायक के साथ साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। वह अपने शत्रु को आसानी से मात दे देते थे। शिवाजी महाराज के बारे में एक पुस्तक गनीमी कावा लिखी गई है, जिसमें उनके शत्रु पर अचानक से आक्रमण करने के कई किस्से हैं। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया, जिसे शिवराय कहते थे, और यह सिक्का संस्कृत भाषा में था। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद यह वीर हिंदू सम्राट सदा के लिए इतिहासों में अमर हो गया, और उस समय उनकी आयु 50 वर्ष थी। शिवाजी महाराज एक वीर पुरुष थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मराठा हिंदू साम्राज्य के लिए समर्पित कर दिया। मराठा इतिहास में सबसे पहला नाम शिवाजी का ही आता है।
आज महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में वीर शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है।